बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार रात 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। अब बप्पी दा के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी बेटी रीमा लहरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पिता के शव पर फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बप्पी दा ने अपनी आखिरी सांस बेटी रीमा की बाहों में ली। बप्पी दा अपनी बेटी के काफी क्लोज थे, इस वजह से रीमा का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बप्पी दा को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्रिया नामक बीमारी थी। इस बीमारी में रात को सोते समय नाक से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और इसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बप्पी लहरी का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और एक फूलों से सजे खुले ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। बप्पी लहरी के पार्थिव शरीर को ले जाता देख उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्थिव शरीर के साथ ही रीमा चल रही हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। रीमा को अपने पिता के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। आप हमारी इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बेटी को उसके पापा को खो देने का दुख कितना ज्यादा है। तो दोस्तों, आप भी भारत के पहले रॉकस्टार को कमेंट बॉक्स में RIP रिप लिखकर श्रद्धांजलि देना ना भूलें। साथ ही ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।